भाई सेम रैमी क्या बंदा है ये। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देख लिया फाइनली दोस्तों, रिव्यू थोड़ा लेट आ रहा हूँ उसके लिए माफी चाहूंगा, मगर मैंने मूवी जब देखी ना, मैंने जब क्रिटिक्स से बात सुनी थी ना कि मूवी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, भाड़ में जाओ तुम लोग, भाई साहब मूवी इतनी शानदार है। मूवी आप सब सुनोगे सिर्फ वांडा को देखोगे, वांडा को ही सुनोगे और उसकी सुनोगे कि वांडा सबको खा गई, बिल्कुल पकड़ के खा गई, पक्का भून के कच्चा जो बोल लीजिए आप सब करके था। वांडा मूवी में शुरू से लेकर एंड तक छा जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे अपने हाथ पैर मार रहे हैं, यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहे हैं वो, डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पे इस काम सही किया है। मैं आपको लिए स्पॉइलर तो नहीं मारूंगा, बस इसका ओवरऑल ऊपर ऊपर से आपको रिव्यू दूंगा। स्पॉइलर वीडियो आएगी उसमें अपन बात करेंगे डिटेल में, ईस्टर एग और बहुत ही छोटी मोटी डिटेल्स का है। दोस्तों मूवी जब स्टार्ट होती है ना, रोलर कोस्टर में मान लीजिए आप बैठ गए, वो सीधा चलता है 2 घंटे के लिए, आपको रुकने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, आपको पानी पीने सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा। वो तो सही है अपने इंडियन के अंदर कि हमको ट्रेलर थोड़ा बीच में इंटरवल करके देते हैं तो हमें थोड़ा शांति मिलती है, वरना दोस्तों सोच लीजिए ये ट्रेलर अगर कंटिन्यू मूवी चलती जाए तो कितनी शानदार लगे 2 घंटे का जो मूवी है। ये जो मूवी है PG-18 को टच करके वापस आई थी, इतनी ज़्यादा ब्रूटल मूवी भी है। मैं बोल रहा हूँ ये मार्वल देख रहा हूँ कि मैं DC देख रहा हूँ, मेरे को डिसाइड नहीं हो रहा है, ऐसे भाई सब खुशी मिल रही है कि मार्वल इस सच में दिखा रहा है। हाँ दोस्तों मूवी के अंदर ऐसे ऐसे कई सारे सीन्स जो आपको हैरान कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते कि मार्वल की मैं PG-13 कोई मूवी देख रहा हूँ, ये PG-13 नहीं PG-18 होनी चाहिए थी। वैसे दोस्तों मार्वल एक कर दिखाया, हमको जो चाहिए था मार्वल ने वो दिखा दिया। वैसे दोस्तों अपन को पता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज 1 आई थी तो उसके डायरेक्टर चाहते थे कि और ज़्यादा हॉरर बने और ज़्यादा ब्रूटली बने, मगर मार्वल के शेयर होल्डर ने मना कर दिया, बोला हमको नुकसान हो जाएगा, हमें ऐसे निकालना चाहते हैं, हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं। तुम जो इसने सेम टाइम ने तुम जाओ भाड़ में, अपन अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, अपन अपने थॉट से इस मूवी को बनाएंगे, जो उन्होंने बना के रखा। थोड़ी अगर ये लिमिट और पुश करते, बोल रहा हूँ दोस्तों ये PG-13 की PG-18 सारी बाउंड्री क्रॉस करते और ये मूवी बनती R-rated, हो सका तो बन सकती थी, पर अगर दोस्तों मार्वल फैंस ज़्यादा बच्चे भी है तो उस हिसाब से इनको देखने के लिए बन सकता है। मैं सोचता हूँ दोस्तों ये मार्वल सच में दिखा रहा है। मैं अपने दोस्तों के बोला अरे ये मार्वल नहीं जा रही तो DC चल रहा है, शुरुआत का जो सीन दिखाते हैं एंड का बीच का आप कुछ भी ले लीजिए, मैं यहाँ पे अभी बात नहीं कर सकता, वो स्पॉइलर आपका वीडियो के अंदर बात करेंगे, मैं यहाँ पे उस चीज़ के बारे में आपको बात नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जल्दी से मूवी देखिए और मैं एक और वीडियो आएगा उसको भी जरूर देखिए। वैसे मूवी को अगर बात करें, मूवी के अंदर इतना शानदार स्क्रीन प्ले, मतलब 2 घंटे के अंदर हमको सब कुछ बता देती है। मैं सोचा था कि जो उन्होंने आधा घंटा काटा उसमें वेस्टेज, उसमें कुछ नहीं दिखाएंगे, शायद वो उन्होंने गलत कर दिया काट के, मगर अब बिल्कुल सही डिसीजन लिया था उन्होंने 2 घंटे की मूवी बना के, ज़्यादा बड़ा ना करके मूवी को हमको सिंपल ऑन द टॉपिक बात चलती है से लेके एंड तक, कोई फालतू बकवास नहीं, नो बकवास नो कुछ चीज, बस मूवी हमको ट्रैक पे लाती है और वही चलती रहती है। हाँ मूवी के अंदर हमें कुछ अलग अलग चीज बताते हैं जो अगर आप मूवी देखोगे, अगर आप देखने जा रहे हो तो जल्दी देखना, क्योंकि दोस्तों मूवी के अंदर इतने शानदार चीजें आप नोटिस करोगे, आप बोलोगे यार ये, और ऐसे अनएक्सपेक्टेबल आपको सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। और हाँ दोस्तों अगर आप थोड़ा भूत भूत से डरते हो तो थोड़ा ध्यान रख लेना, दोस्तों मूवी के अंदर आपको डराएगी भी और हंसाएगी भी, और आपको बिल्कुल एंटरटेनमेंट करके पैकेज आपको मिलेगा, बिल्कुल वैसा पैसा वसूली है मूवी है, मेरी तरफ से आपको जरूर देख लेनी चाहिए। और इसके बारे में इसका एक डिटेल में रिव्यू लाऊंगा आपको पूरे स्पॉइलर वीडियो के साथ, तो आप वो भी देख सकते हो। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, अगर आपको मेरे पास सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो से जुड़े हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पे धमाकेदार रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।